तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑटोटेक एक्सपर्ट पे। मेरा नाम है तुषार और आज हम करेंगे इंडिया की सेफेस्ट कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे कुछ सुनते हैं आपको इसकी ओवरऑल फ्रंट लुक, जो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा वाइड लुक देती है कार को। मैन बोनेट पे एजेस भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। साथ साथ इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो XUV500 से इंस्पायर्ड ग्रिल मिलती है आपको। ऊपर थिक क्रोम लाइन एंड नीचे छोटे छोटे आपको स्लॉट्स मिलते हैं क्रोम के, एंड नीचे की तरफ भी आपको क्रोम स्ट्रिप्स मिलती हैं लोअर रेडिएटर ग्रिल के अंदर। एंड यहाँ पर आपको मिलता है इसका हेडलैम्प, यहाँ पर आपको मिलती है इसकी डे टाइम रनिंग LED जो कि हेडलैम्प से फॉग लैम्प तक जाती है। ये इसका प्रोजेक्ट है हेडलैम्प और लो बीम एंड हाई बीम आपको मिलता है हैलोजन हेडलैम्प। एंड इसके साइड में आपको मिलता है टर्न इंडिकेटर। तो ये तो बात हो गई फ्रंट लुक की, तो चलिए अब इसके साइड में चलते हैं। तो फ्रंट लुक की तरह इसका का साइड लुक भी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर बात करें इसके अलॉय व्हील्स की, सेगमेंट में आपको सबसे बड़े अलॉय व्हील्स इसी कार के अंदर मिलते हैं। MRF वंडर टायर्स आपको इस कार में मिलते हैं। इनका साइज है 215/55R17। सेगमेंट में किसी भी कार में 16 इंचेस से बड़े व्हील नहीं आते, पर इस कार में आपको 17 इंचेस व्हील मिलते हैं। आगे के साथ साथ आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है जो ब्रेकिंग को काफ़ी एफिशिएंट बना देती है। लेफ्ट साइड आपको मिलता है इसका फ्यूल कैप। एंड ये है इंडिया की सेफेस्ट ग्लोबल एनकैपेटेड कार आज के समय में। यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर एंड ड्राइवर डोर के अंदर। एंड ये है इसकी क्रोम लाइन, इसकी प्राइसिंग अराउंड 2000 रुपीज़ है। महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज में आती है ये, जो कि फुल कार को कवर कर लेती है। एंड ये है इसका ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि अगर आपको जेब में चीज़ है तो आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। एंड ये है सबसे ज़्यादा जो मुझे इस कार में पसंद आता है वो है इसकी रेयर लुक। इसकी टेल लैम्प काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड एग्रेसिव लुकिंग है। राइट साइड में आपको मिलती है XUV300 की बैजिंग। ये नीचे की तरफ भी आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं इस कार के अंदर, जो कि इस कार को काफ़ी अच्छी लुक दे देते हैं। एंड ये रेयर पार्किंग कैमरा, W8 ऑप्शनल इसका टॉप वेरियंट है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। एंड ये इसके चार रिक्वेस्ट सेंसर्स। एंड यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। एंड ये इसका रेयर वाइपर विद वॉशर एंड डीफॉगर, ये आप इसका वॉशर देख सकते हैं। महिंद्रा का लोगो, उसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन बूट खोलने के लिए। तो चलिए अब इस कार के अंदर चलते हैं और इस कार को मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो चलिए डोर खोल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ड्राइवर डोर के ऊपर आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है ट्विटर, उसके नीचे स्पीकर एंड 1 लीटर बॉटल होल्डर विद कप होल्डर एंड मैगजीन पॉकेट। एंड डोर पे एक आपको हैजार्ड लाइट भी मिलती है, जो कि सर्दियों के टाइम पे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। एंड अगर अदर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको विंडोज़ लॉक अनलॉक एंड चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस मिलते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पर हैं ऑटो फोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद हीटेड फंक्शन, यानी फॉग जमती है जब सर्दियों में, आप इसको हीट करके इसकी फॉग बड़ी ईजिली हटा सकते हैं, अब कपड़ा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड जैसे ही आप कार लॉक करते हैं ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं। एंड इस कार में आपको ड्राइवर डोर के अंदर ऑटो अप डाउन फीचर मिल जाता है, एंटी पिंच आपको फीचर शायद नहीं मिलता। एंड यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। एंड ऐसे कुछ आपको मिलती है इसकी की, इसमें डोर जो बटन्स हैं उसकी और इसके जो बटन्स हैं की के, उसमें सेम मॉडल यूज़ किया गया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। एंड ये इसका की कवर लिप की आपको मिल जाती है इसके अंदर। एंड उससे पहले देख लेते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है मीडिया कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट एंड म्यूट का बटन आपको इसमें मिल जाता है। एंड इस कार में आपको मिल जाते हैं 7 एयरबैग्स अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो। एंड राइट में आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल एंड MID कंट्रोल्स। ये हैं इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स
एंड यहाँ से आप इसको डाउन करके इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अप डाउन कर सकते हैं आप इसको, आपके पास से दूर नहीं कर सकते। एंड ये इसकी सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट के अंदर मुझे 40 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है वो इसी कर का लगता है। एंड इसके जो कलर्स हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बीच में छोटी सी स्क्रीन मिलती है आपको जो कि इसे काफ़ी स्पॉटी लुक देती है। एंड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती हैं, जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज माइलेज, फ्यूल कंजप्शन, रेंज एक्सेट्रा। एंड स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप जिसको आप बोलते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ साथ हेडलैम्प लेवलर। एंड काफ़ी सुंदर फिनिश के अंदर आपको मिलते हैं इसके एसी वेंट्स। एंड यह इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। एंड इसके ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी डीप है इसका ग्लव बॉक्स। उसके आगे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे या फिर कहें तो टच स्क्रीन के नीचे आपको मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट्स एंड 1 ऑक्स पोर्ट। एंड ये इसका डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसमें आप दोनों तरफ डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर वाले बैग्स के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हम कर लेते हैं इसका एयर कंडीशनर ऑन, उसके बाद मैं अगर डुअल का ऑप्शन दबाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक तरफ का टेम्परेचर लो करता हूँ तो मैं थोड़ा और पास ले जाता हूँ, एक तरफ का ही आप टेम्परेचर लो होता हुआ देख सकते हैं। एंड वहीं अगर मैं सिंगल दबा देता हूँ यानी डुअल ऑफ कर देता हूँ तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो दोनों तरफ का टेम्परेचर एक साथ इंक्रीज़ हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के लिए, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स एंड लाइट, जिससे आप अपना स्टीयरिंग का फीडबैक एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपको जिस टाइप का भी फीडबैक चाहिए स्टीयरिंग व्हील से। साथ साथ इस टच स्क्रीन के अंदर आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाती है जो कि बिल्कुल भी अटैक नहीं करती एंड काफ़ी स्मूथ है ड्राइव करने के लिए। एंड होम पे आपको और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ से आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, साथ साथ ड्राइवर रिलेटेड भी काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। एंड टच स्क्रीन से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कलर चेंज कर सकते हैं, जो अभी आपने रेड कलर देखा उसको आप ब्लू, ग्रीन एंड काफ़ी सारे अदर कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये है इसका इको सेंस, यानी कितने इकोनॉमिकली आप कार चला रहे हैं, ये जितना ज़्यादा होता है उतनी आपकी माइलेज ज़्यादा निकालती है कार। एंड यहाँ पर आपको अदर भी सिस्टम सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, आप वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं जैसे कार अनलॉक होती है। एंड आप इसकी डे टाइम रनिंग LEDs भी ऑफ कर सकते हैं। साथ साथ फ्यूल इकोनॉमी आपको किस में चाहिए, माइल्स पर आवर या फिर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, वो भी आप डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से या फिर अपने मन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेंज कितनी बची है कार के अंदर, साथ साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में दिखा रहा है, एक टायर में हवा ज़्यादा है, एक में लो है, एंड 2 में आप जितना भी इसमें प्रेशर है वो देख सकते हैं। एंड ये इसका रेयर पार्किंग कैमरा जो कि काफ़ी वाइड है एंड काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा है कार का। यहाँ से आप सेटअप भी बंद कर सकते हैं म्यूजिक। एंड ये स्टीयरिंग का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा 3 मोड्स के अंदर, इसको मैं कर देता हूँ बंद। एंड अगर बात करें तो सेटिंग्स की तो यहाँ पर आपको और भी सेटिंग मिल जाती है, जैसे डे टाइम रनिंग LEDs अगर आपको ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, एंड अगर आपको कोई फीचर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल या फिर ई मैनुअल नाम से एक चीज़ दी गई है जिससे आप जो भी फीचर कैसे काम करता है वो डिटेल में देख सकते हैं वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं हर फीचर के लिए आपको एक वीडियो मिल जाती है। अगर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलर कैसे चेंज करें वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पार्किंग असिस्ट आपको कैसे ऑन करना है वो भी यहाँ से हो जाता है, यानी वो आपको गाइड करेगा कि आपको थोड़ा राइट लेना है या लेफ्ट अगर 2 कार्स के बीच में पार्क करना है कार को। इल्यूमिनेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं टच स्क्रीन के साथ साथ, स्टीयरिंग व्हील की जो लाइट्स होती हैं उनकी भी।
यहाँ से आप अपना मोबाइल सेटअप कर सकते हैं, साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं। इसमें आपको वॉइस कमांड का फीचर भी मिल जाता है। एंड ये है ऑटो डे नाइट IRVM, जो कि रात के टाइम पे पीछे से आने वाली कार की लाइट्स को डिम कर देता है, आपकी आंखों में नहीं पड़ने देता। एंड यहाँ पर आपको सनवाइजर के अंदर मिल जाता है कार्ड होल्डर विद मिरर एंड लाइट। एंड सेंटर में आपको मिल जाता है एक माइक, या फिर आप बोल सकते हैं स्पीकर, जिसे आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है आपको एक सनग्लास होल्डर, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड को ड्राइवर साइड भी आपको मिल जाता है एक टिकट होल्डर या फिर कार्ड होल्डर के साथ सनवाइजर, या आपको मिरर एंड लाइट भी मिल जाती है। एंड यह इसकी सनरूफ, जो कि काफ़ी अच्छे साइज के सेगमेंट के कार के हिसाब से, ज़्यादा बड़ी सनरूफ कार को वैसे भी थोड़ा वीक बना देती है। एंड इसको आप थोड़ा और ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आपको इसको टिल्ट भी ओपन कर सकते हैं आप इस सनरूफ को, अगर आपको सिर्फ हवा चाहिए, ज़्यादा आपको ओपन नहीं करनी। एंड यहाँ से आप खड़े होकर बार का व्यू देख सकते हैं, जो कि देखना नहीं चाहिए, पर आप इन्जॉय करने के लिए कभी कभार ऐसा कर सकते हैं। एंड इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं और सपोर्टेबल हैं, बिल्कुल भी इसमें लैग या फिर कहें तो थकावट फील नहीं होती लॉन्ग जर्नीज पे। एंड यहाँ पर भी आपको पिलर्स के ऊपर एयरबैग मिल जाते हैं। एंड सिल्वर फिनिश में आपको मिलते हैं इसके डोर हैंडल, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट फील दे रहे हैं कार को। एंड यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज एंड काफ़ी डीप ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जो कि रियलिटी में काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी डीप है। पहले कर लेते हैं इसकी सनरूफ बंद, उसके बाद मैं आपको इसके बाकी फीचर्स दिखाता हूँ। तो फ्रंट के तो हमने सारे फीचर्स फ्रेस देख लिए हैं, तो चलिए अब इस कार के रेयर कैबिन में चलते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको टिल्ट ओपन, तो चलिए पीछे चलते हैं। तो अब हम जा चुके हैं पीछे वाले कैबिन में। यहाँ पर आपको स्पीकर, 1 लीटर बोतल होल्डर, मैगजीन पॉकेट, कॉइन होल्डर एंड सिल्वर फिनिश में मिलता है डोर हैंडल, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है नहीं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड यहाँ पर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट के पीछे आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, आप पेपर्स वगैरह अपने इसमें लटका सकते हैं। आपको ऊपर पॉकेट नहीं मिलती सीट्स के अंदर। एंड लेग रूम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। एंड हेड रूम की तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेड रूम भी मिल जाता है आपको, क्योंकि इस कार की हाइट काफ़ी अच्छी खासी है। एंड विड्थ भी शायद सबसे ज़्यादा चौड़ी कार अपने सेगमेंट में। एंड यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई रेयर कैबिन की, तो चलिए अब इसकी बूट देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पर आपको रेयर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। जिसको मैं आपको एक बार हटा के दिखा देता हूँ, ये 64 स्प्लिट आपको रेयर सीट्स मिल जाती हैं, जो कि मैंने स्प्लिट कर दिया है। एंड एक बार मैं ये पार्सल से हटा देता हूँ, तो ये मैंने पार्सल ट्री हटा दी, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी अच्छी बूट मिल जाती है। एंड अगर आप सीट्स अनफोल्ड करते हैं तो भी आपको इनफ साइज़ की बूट स्पेस मिल जाती है, ज़्यादा कम बूट स्पेस इस कार में नहीं है। एंड नीचे की तरफ अंदर ही आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील आपका। तो चलिए एक बार ये सीट्स फोल्ड कर देते हैं। पर यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूँ, यहाँ पर आपको एक लैम्प भी मिल जाता है, जो कि नाइट में एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ा देता है सामान उतारते या फिर निकालते टाइम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो न्यू XUV300 के ऊपर। ये हमारा टॉप एंड वेरियंट है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस कार, बाइक या स्कूटर पर चाहिए वो भी बता दीजिए। तो मैं जल्द से जल्द उस कार, बाइक या स्कूटर पर वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ फॉलो करें मेरे को और मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।